उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री एक मैच्योर्ड जिसको कहते हैं भाषण देंगे, अपनी जिम्मेदारी अपनी पद की गरिमा को समझेंगे। 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हों। आज का दिन ऐसा तो नहीं है जिसपे सियासी बात की जाए, राजनीतिक बात की जाए, लेकिन कुछ परंपराएं बदली जा रही हैं इस देश में और बदलने वाले प्रधानमंत्री स्वयं हैं। इस तरह की निम्न स्तर की परंपराओं का जवाब देना आवश्यक तो नहीं होता, लेकिन आप लोगों की मांग है कि उसका जवाब दिया जाए। प्रधानमंत्री पिछले 8 साल से अपने ही शब्दों के शिकार होते चले जा रहे हैं और बहुत थके हुए सुनाई देते हैं। अब उनकी बातें थकी हुई सुनाई देती हैं, उनके शब्द थके हुए, कोई भाव नहीं है, कोई दिल में जज्बा नहीं है, कोई जुनून नहीं है, क्योंकि जो जो उन्होंने वादे किए थे अब मुझे लगता है वो उन्हें खुद को सताते होंगे। कहाँ गई किसानों की दुगनी आय, कहाँ गया वो वादा सबको घर दिलवाने का, कहाँ गया सारा काला धन वापस लाने का वादा, उल्टा जो था धन हिंदुस्तान से वो बाहर चला जा रहा है। रोजगार का वादा, हर खाते में 15 लाख का वादा, अब उन्हें वो तमाम वादे न सोने देते हैं, न ठीक ढंग से बोलने देते हैं और कुछ करने की आदत उनकी है नहीं, सिर्फ बोलने भर की आदत है, अब उसमें भी थके हुए महसूस होते हैं। जो उन्होंने कुछ राजनीतिक बातें की, मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मसला है। जो भारतीय जनता पार्टी में एक परिवारवाद है, एक आदमी जिसने लॉर्ड्स में कोई सेंचुरी लगाई हो शायद, मैंने तो नहीं देखा, वो क्रिकेट में एक बड़े पद पर जाकर पहुंच गए हैं। एक और मंत्री हैं जिनका बेटा फॉरेन सर्विसेज तो शायद नहीं पास किया, लेकिन एक बहुत बड़े थिंक टैंक में बहुत बड़े पद पर है। तो अब वो हमला अपने ही मंत्रियों पर है, अपने ही मंत्री पुत्रों पर है, यह मोदी जी खुद बताएंगे। लेकिन देश आज उनसे उम्मीद करता था कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे, 8 साल का हिसाब किताब देंगे, कहाँ गया वो वादा, किसानों की दुगनी आय का वादा। किसान परेशान इंतज़ार कर रहा था कि आज कोई जवाब मिलेगा। हर व्यक्ति को पक्का घर, हर घर में नल, हर नल में जल, ये तमाम जो उनके खोखले नारे थे जिनको अमित शाह खुद ही जुमला कहते हैं, उन तमाम नारों पे उम्मीद थी कि आज कुछ हिसाब किताब देंगे, कोई रिपोर्ट कार्ड देंगे। प्रधानमंत्री ने पूरे देश को और अपने समर्थकों को भी आज निराश किया। स्वतंत्रता दिवस एक ऐतिहासिक दिन होता है और 75वां स्वतंत्रता दिवस तो एक अलग ही इतिहास है। लाल किले की प्राचीर पर जहाँ से प्रधानमंत्री आज भाषण दे रहे थे, वहाँ ऐतिहासिक भाषण दिए गए हैं। इतिहास पुरुषों ने वहाँ खड़े होकर इतिहास लिखा है, उनके मुंह से निकला एक एक शब्द इस देश की तकदीर लिख कर गया। ऐसे में उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री एक मैच्योर्ड जिसको कहते हैं भाषण देंगे, अपनी जिम्मेदारी अपनी पद की गरिमा को समझेंगे। बड़ा अफसोस होता है आज के दिन ऐसी बात का जवाब देते हुए और इस तरह की बात कहते हुए कि प्रधानमंत्री ने आज पूरे देश को निराश किया, और ऐसे दिन जब पूरा विश्व लाल किले की प्राचीर की ओर देख रहा होता है। आप सबको फिर से बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जैसा मैंने आपको कहा, यह आंतरिक हमला उन्होंने अपने ही मंत्रियों पर किया। हो सकता है वो गृह मंत्री पर हमला हो जिनका पुत्र पता नहीं कैसे क्रिकेट का इतने बड़ी बॉडी का प्रमुख बन गया है, या यह हमला अपने विदेश मंत्री के पुत्र पर है, या यह हमला अपने सिविल एविएशन मंत्री पर है, या यह हमला अपने रक्षा मंत्री के पुत्र पर है, हमें नहीं मालूम यह हमला किस पर है। तो यह आप उनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक मसलों को इस तरह से लाल किले की प्राचीर पर भाषण के जरिए बखान करना अच्छा नहीं लगता। यह आज़ादी गौरव यात्रा है, एक गौरवशाली इतिहास रहा है इस देश का, आज़ादी से पहले का, स्वतंत्रता प्राप्त करने का भी, और स्वतंत्रता के पश्चात इस राष्ट्र के निर्माण में भी। उस गौरव को रेखांकित करने के लिए हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो शहीद स्थल है वहां पैदल जाएंगे।
देखिए, व्यक्ति हर व्यक्ति अपने बौनेपन के सामने मजबूर हो जाता। अब इसमें मैं बार बार टीका टिप्पणी करूं प्रधानमंत्री पर, वो भी आज के दिन, वो मुझको भी शोभा नहीं देता। आप पंडित नेहरू का, सरदार पटेल का, महात्मा गांधी का, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का, इन सब का कद तो नहीं घटा पाएंगे। अपना बढ़ाने की चेष्टा कीजिए, वो आप करना नहीं चाहते, तो ऐसे में हम क्या टिप्पणी करें। ये इनका एक शुरू से तरीका रहा है। इतिहास में किसका क्या योगदान है वो सबको सर्वविदित है, लेकिन वाइट वॉश कैसे करें इतिहास को, तो प्रधानमंत्री खुद आकर, आपने तो देखा, प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद और कांग्रेस पार्टी के प्रेशर के बावजूद कितने दिन लग गए आरएसएस को तिरंगा अपने प्रोफाइल पे लगाने। मोहन भागवत जी को कितने दिन लग गए, परसों जाकर तिरंगा लगाया। तो ये अपनी आदत से मजबूर हैं, इनका कोई इतिहास में योगदान रहा नहीं है स्वतंत्रता के इतिहास में, और यह बात ये बखूबी जानते हैं। तो अब वो वाइट वॉश करते रहें कितना ही, उससे क्या फर्क पड़ता है। जो हो चुका उसको तो बदल नहीं सकते, अब कुछ कर सकते तो करिए, वो कर नहीं रहे। आज के दिन मैं उस स्तर पर नहीं गिरना चाहता जिस स्तर पे इस देश के प्रधानमंत्री ने आज भाषण दिया, तो मैं किसी पर भी टिप्पणी करना उचित नहीं मानता। सबको मालूम है इतिहास में किसका क्या योगदान रहा है, कौन किसके साथ खड़ा था, कौन माफ़ी मांग रहा था, कौन संघर्ष कर रहा था, कौन जेल में था और कौन पेंशन याफ्ता था, यह सबको सब मालूम है। जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।